अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और निहायती रहम करने वाला है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, जो आज का वाक्य रशीद साहब बताएंगे हमें। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल चीज़ें रशीद साहब बताते हैं। इनकी वजह से ही हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म हो चुका है अभी तक, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड टू लाइक लिसन टू हिम। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार बहुत कुछ सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं ना। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसका 53वां हिस्सा यानी पार्ट 53 है। थोड़ा हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 52वें हिस्से में क्या सुना। हमने 52वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कैसे मदीना वापस लाया गया। फिर हमने ये भी सुना कि अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई। फिर हमने ये भी सुना कि सैयदतुन निसा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ जी। फिर हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अब हम सुनेंगे ग़ज़वे उहद के बारे में कि वो जंग कैसे हुई और क्यों हुई। ग़ज़वे बदर में मुशरिकों को ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त हुई थी कि मक्का वालों की तो कमर ही टूट गई थी, उनके सारे बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, कितनी औरतें बेवा हो गई और कितने ही बच्चे यतीम हो गए। गर्ज के उनका जान और माल का ज़बरदस्त नुकसान हुआ और ये सब उन्हीं के जुल्म का बदला उनको मिला जो उन्होंने खुदा के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों पर किया था। मगर बजाय सबक सीखने के मुशरिकी ने मक्का दुश्मनी में अंधे हो रहे थे जी। उन्होंने इस जिल्लत से कोई भी सबक हासिल नहीं किया बल्कि उनके अंदर दुश्मनी की आग और ज्यादा भड़क रही थी। इसलिए उन्होंने मक्का में ऐलान करा दिया था कि कोई भी आदमी अपने रिश्तेदारों पर मातम न करे जो बदर में कत्ल हुए थे, बल्कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहे और मुसलमानों के खिलाफ अपने गुस्से को बढ़ाते रहे ताकि वो इस हार का और इस शिकस्त का बदला ले सके। उन्होंने सोचा कि अगर हम रोएंगे धोएंगे और इसकी खबर अगर मुसलमानों को हो गई तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें बुजदिल समझकर और शेर हो जाएंगे। उधर अबू सुफियान ने कसम खा ली कि जब तक मुसलमानों से बदला नहीं ले लूंगा उस वक्त तक न सर में तेल लगाऊंगा न मैं नहाऊंगा। फिर वो 200 सवारों को लेकर चुपके से मदीना भी गए, दो मुसलमानों को कत्ल भी किया जी। उनके खजूर के बाग जलाकर भागकर वापस भी आ गए। इस तरह अबू सुफियान ने अपनी कसम तो पूरी कर ली मगर उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए कि 70 सरदारों के बदले में उन्होंने सिर्फ 2 आदमी को कत्ल किया था, वो भी आम से अंसारी सहाबी। ना तो वो मक्का के थे ना कोई सरदार थे, क्योंकि मक्का के मुशरिकीन सबको अपने से छोटा और जलील समझते थे। इसलिए सिर्फ 2 अंसारियों को कत्ल करके अबू सुफियान ने तो सिर्फ अपनी कसम पूरी करके आए थे, वरना वो ये नहीं समझते थे कि हमने कोई बदला लिया है। हाँ, अगर कोई मुहाजिरीन में से अगर किसी सरदार को वो मार लेते तब उनका ख्याल होता कि कोई बराबर की टक्कर हुई है। अंसारियों को तो वो अपने बराबर का समझते ही नहीं थे। बहरहाल इसी तरह गज़वे बदर की शिकस्त ने कुरैशियों के जोश और गजब को और ज्यादा बढ़ा दिया था। उन्होंने रोना धोना बंद करके अपने दिलों में इंतकाम की आग भड़कानी शुरू कर दी थी। कुरैशियों में से जिनके रिश्तेदार कत्ल हुए थे उन्हें रह रहकर जोश आ रहा था, मुसलमानों का सिर्फ नाम सुनकर ही उनका खून खवलने लगता था। ऐसे लोगों में अब्दुल्ला बिन रबिया, इकरामा बिन अबू जहल, सुफियान बिन उमैया वगैरह थे।
ये सब उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इसी तरह दूसरी तरफ अबू सुफियान के दिल में भी सबसे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जिस तिजारती काफिले की वजह से जंगे बदर छिड़ी थी वो उन्हीं का था, क्योंकि अबू सुफियान अपना तिजारती सामान, माल और दौलत किसी ना किसी तरीके से बचाकर मक्का लेकर आ गए थे, मगर उधर तो जंगे बदर छिड़ गई थी, इसलिए उन्होंने अभी तक माल तकसीम नहीं किया था, बल्कि जू के तू संभाल के रखा हुआ था। हालांकि जंगे बदर में मुशरिकीन को शिकस्त हुई, होना तो यह चाहिए था कि वो उसे सबक लेते, मगर वो सबक हासिल करने के बजाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ज्यादा दुश्मन हो गए। ईमान वालों से इंतकाम और बदला लेने की तरकीबें सोचने लगे। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने अबी रबिया, इकरमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया एक दिन अबू सुफियान के पास आए, क्योंकि उस तिजारती माल में उनका भी हिस्सा था। उन्होंने अबू सुफियान से कहा कि मोहम्मद ने हमें इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है कि हमारे तमाम बड़े बड़े सरदार मारे गए, इसलिए अब हम चाहते हैं कि ये जो माल और दौलत, इससे हम लोगों की मदद करें ताकि लोग जंग की तैयारियां करें, फिर मोहम्मद से लड़ने के लिए जाए, मुमकिन है कि इस तरह हम अपने सरदारों के खून का बदला ले सके। इस माल वो दौलत के मालिकों को उनका असल हिस्सा तो दे दिया जाए, मुनाफा और प्रॉफिट रोक लिया जाए ताकि उससे एक अच्छा लश्कर तैयार किया जा सके। यह राय सबको पसंद आई और सबसे ज्यादा अबू सुफियान को पसंद आई। अबू सुफियान ने कहा कि इस तजवीज को सबसे पहले मैं कबूल करता हूं और अब्द मुनाफ के लोग भी मेरे साथ हैं। इसके बाद उन्होंने मालिकों को असल रकम तो वापस कर दी और उसका मुनाफा रोक लिया। सब लोगों की असल रकम मिलाकर 50,000 दीनार थी और उस पर उतनी ही आमदनी हुई थी। इस तरह जंगी तैयारी के लिए उनको 50,000 दीनार और 1,000 ऊंट मिल गए थे। इस दफा तो जंग की तैयारियां बड़े शोर और जोर से होने लगी और इन तैयारियों में मदीना के यहूदी और मुनाफिकों ने खुफिया तौर पर मदीने की पल पल की खबरें पहुंचा कर मक्का वालों की खूब मदद की। बहरहाल मक्का वालों ने इधर उधर रहने वाले कबीलों में अपने शायरों को भेजा ताकि वो लोग रसूल खुदा और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का कर उन्हें इस जंग में साथ देने के लिए उकसाए। इन शायरों में एक मशहूर शायर अबू उज्जा भी था। अबू उज्जा को सफवान बिन उमैया ने दूसरे कबीलों की तरफ भेजा, कहा कि जाओ वहां लोगों में अशार बोल बोल कर उन्हें उकसाओ, उन्हें जोश दिलाओ ताकि वो कुरैशी लश्कर में शामिल होकर हमारे साथ मुसलमानों के खिलाफ जंग करें। बहरहाल उसका असर ये हुआ कि दूसरे बहुत सारे कबीलों के लोग आकर कुरैशी लश्कर में शामिल हो गए। इस तरह कुरैशियों की फौज और उनकी तैदाद 3,000 हो गई। इस लश्कर में पता नहीं लोगों में बहुत ज्यादा जोश और गुस्सा था। जिनके रिश्तेदार जंगे बदर में कत्ल हो गए थे वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, जैसे जुबैर इब्ने मुतईम, हालांकि ये बाद में मुसलमान हो गए थे, उनके चचा तुएमा बिन अदी बदर में कत्ल हो गए थे। इस वजह से जुबैर के दिल में मुसलमानों के खिलाफ एक अलग ही गुस्सा और गजब था। जुबैर के पास एक हबशी गुलाम था जिसका नाम वहशी था। वहशी हालांकि बाद में मुसलमान हो गए थे, ये तीर चलाने में बहुत माहिर थे। हबशी तरीके से ये तीर चलाते थे, उनका निशाना इतना अच्छा था कि कभी खता नहीं होता था, चूकता नहीं था। जुबैर ने वहशी को साथ लिया और वहशी से कहा कि हमारे साथ जंग में चलो, अगर तुम मेरे चचा तुएमा बिन अदी के बदले मोहम्मद के चचा हमजा को अगर तुमने कत्ल कर दिया तो तुम आजाद हो। कुरैश ने अपने लश्कर के साथ औरतों को भी साथ लिया, उनकी तादाद 15 थी और इनमें इन औरतों के अंदर अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी थी, क्योंकि जंगे बदर में हिंदा के बाप, भाई और चचा सब मारे गए थे, इसलिए मुसलमानों का नाम सुनकर उसका खून खौलने लगता था। हिंदा ने भी वहशी से कहा था कि मैं
अगर तुमने हमजा को कत्ल कर दिया तो मैं अपने तमाम जेवर तुमको दे दूंगी। हालांकि हिंदा और अबू सुफियान ये दोनों बाद में मुसलमान हो गए थे। तोयमा की बेटी भी अपने बाप के कत्ल होने की वजह से मुसलमानों के खिलाफ उसमें सख्त गुस्सा था। उसने भी वैशी से कहा कि अगर मेरे बाप के बदले तुम मोहम्मद, हमजा या अली को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें दौलत में तोल दूंगी और तुम्हें आजाद कर दूंगी। इस तरह कुरैश के सब मर्द औरतें जोश और गजब में भरे हुए थे। इन सब ने पूरे जोश और खरोश के साथ पूरे एक साल मेहनत करके यह लश्कर तैयार किया था। इस लश्कर के सिपाहियों की तैदाद 3000 थी। उनमें 700 आदमी तो बाकायदा जीरा पोश यानी फौजी लिबास में थे। इस लश्कर के पास 200 घोड़े थे और 3000 ऊंट थे। इस जबरदस्त लश्कर के सिपा सालार अबू सुफियान थे और रिसाले की कमान खालिद बिन वलीद को दे दी गई। इकरमा बिन अबू जहल को मुआविन यानी असिस्टेंट बनाया गया और इस जंग का परचम कबीले अब्दुद्दार के हाथ में दे दिया गया। इस दफा लश्कर में 15 औरतें साथ में थी। ये लश्कर बड़े जोश के साथ रवाना हुआ। साथ में औरतें दफ बजा बजा कर साथ साथ चल रही थी और ऐसे अशार पड़ती थी कि मर्द जोश और गजब के पुतले बन जाते थे। उनके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती थी। इस लश्कर के साथ अबू आमिर औसी भी था। ये मदीने के कबीले औस का था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए और कबीले औस के लोग जब मुसलमान हो गए तो बजाय ये मुसलमान होने के मक्का चला गया था। उसके साथ कबीले औस के दूसरे लोग भी मदीना छोड़कर मक्का आ गए थे, जिनका तस्किरा हमने पिछले वीडियो में सुना जी। जब अब इस वक्त में जब मुसलमानों से जंग का वक्त आया तो आमिर अपनी जमात के साथ कुरैशी लश्कर में शामिल हो गया। चूंकि ये अपने कबीले का सरदार था इसलिए यकीन था कि जब जंग होंगी तो मेरे कबीले के लोग जो मुसलमानों के साथ है मेरे हुक्म पर मुसलमानों का साथ छोड़ देंगे और मेरे साथ आ जाएंगे। बहरहाल इस शान के साथ ये मुशरिकों का लश्कर मक्का से रवाना हुआ। आखिर चलते चलते ये लश्कर 4 शव्वाल सन 3 हिजरी को मदीना के एक जगह ये पहुंचे। उस जगह का नाम अबुआ था। यह वही जगह थी जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा यानी आपकी मां हजरत आमिना का इंतकाल हुआ था। उस वक्त हजरत आमिना मदीना से वापस मक्का आ रही थी। यहां पहुंचकर उनका इंतकाल हो गया था इसलिए उन्हें यहीं पर दफन कर दिया गया था। अबू सुफियान की बीवी हिंदा को मुसलमानों से इस कदर गुस्सा था, इतना ज्यादा बैर था कि जब मुशरिकों का लश्कर हजरत आमिना के कब्र के पास पहुंचा तो हिंदा ने लोगों से कहा कि मोहम्मद की मां की कब्र खोदकर उसकी लाश को बाहर निकालो, फिर ऐसा करो कि इस जंग में जो भी तुम्हारा आदमी गिरफ्तार हो जाए तो उसकी रिहाई के लिए आमिना के बदन के टुकड़े फिदिये में भेजो। नाउज बिल्ला मिन जालिक, नाउज बिल्ला मिन जालिक। मगर कुरैश के लोगों को, कुरैशियों को हिंदा की यह राय पसंद नहीं आई। इसलिए पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हरकत मत करो वरना वो लोग हमारे मुर्दों के साथ भी यही सुलूक करेंगे। गर्ज के कुरैशी लश्कर बड़े आन बान शान से चला और मदीना के करीब ओहद के मकाम पर आकर ठहर गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास इस वक्त मक्का में थे मगर वो मुसलमान हो चुके थे। जिस वक्त कुरैश मक्का में लड़ाई की तैयारियां कर रहे थे तो हजरत अब्बास ये सब कुछ देख रहे थे। जब कुरैश का लश्कर तैयार हुआ तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक खत लिखा। उसमें कुरैश की सारी एक्टिविटीज और ये लश्कर की तैयारियों की इत्तला की। उसके बाद उन्होंने एक शख्स को उजरत पर हासिल किया यानी पैसे देकर उसे हायर किया और ये खत देकर उसे मदीना की तरफ रवाना किया और साथ ही कासिद को यानी खत ले जाने वाले को सख्त ताकीद की कि जैसे भी हो दिन रात चलो लेकिन 3 दिन के अंदर ये खत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दो। चुनांचे कासिद फौरन रवाना हुआ और वादे के मुताबिक
मक्का से मदीना का फासला तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास है। उस कासिद ने 3 दिन के अंदर तय किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंच गया और ये खत अल्लाह के रसूल के हवाले किया। उस वक्त कुफार का लश्कर मकाम अतीक तक पहुंच गया था। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खत मिला, आप कुबा में थे। हजरत उबैय इब्ने काब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खत पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत पढ़ने के बाद उस खबर को, यानी ये जो मक्का के लश्कर की खबर थी, इसको पोशीदा रखा और मदीना तशरीफ ले आए। यहाँ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन रबी के मकान पर तशरीफ लाए और सिर्फ उनके साथ इस खत का तस्किरा किया। और ये जो मक्का के जो लश्कर मदीना के लिए निकल गया है, सिर्फ हजरत साद बिन अबी रबी से इस बात का तस्किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को यह ताकीद भी की कि इस बात को छुपा कर रखें। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए, मगर इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत हजरत साद की बीवी ने सुन ली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हजरत साद की बीवी हजरत साद के पास आई और उनसे पूछा कि क्या बातचीत हुई, तो हजरत साद ने बताने से इनकार कर दिया क्योंकि हुजूर ने मना किया था। मगर उनकी बीवी ने कहा कि आपने जो कुछ बातचीत की है वो मैंने सुन ली है। उसके बाद उन्होंने उस सारी गुफ्तगु जो हुजूर और हजरत साद के दरमियान हुई थी अपने शोहर के सामने दोहरा दी। हजरत साद तो बहुत परेशान हुए कि इतनी रास की बात इसने सुन ली है। उन्होंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और सीधा हुजूर की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे डर है कि यह खबर फैल जाएगी क्योंकि ये मेरी बीवी ने सुन लिया है, इस औरत ने सुन लिया है और आप समझेंगे कि यह खबर मैंने फैलाई है, हालांकि आपने इस रास को छुपाने का हुक्म दिया है, लेकिन इस औरत को मालूम पड़ गया है, अब कोई गारंटी नहीं है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद से फरमाया कि अपनी बीवी को छोड़ दो, क्योंकि हजरत साद उनकी बीवी का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर जिसका डर था वही हुआ, यह खबर पूरे मदीना में मशहूर हो गई। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी लश्कर की तरफ अपने जासूसों को रवाना फरमाया ताकि वो वहां की खबर लेकर आए। वहां पर ये जासूस कुरैशी लश्कर की तरफ गए और सब कुछ देखभाल कर वापस आए और आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लश्कर की तादाद और उनकी एक्टिविटी आकर बताई और ये बताया कि वो मदीना के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वो रात मदीने वालों ने जाग कर गुजारी क्योंकि दुश्मन तो सर पर आकर मौजूद हो गया था। हर लम्हा मदीना वालों को ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं मुशरिकीन और मक्का वाले रात को सोते हुए कहीं अचानक हमला ना कर दे। मुसलमान रात भर मदीना की हिफाजत करते रहे। हजरत साद बिन माज, हजरत उसैद बिन हुजैर, हजरत साद बिन उबादा हथियारों से लैस होकर आ गए और तमाम रात मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देते रहे। अगले रोज जुमा था, सुबह हुई तो सारे मुसलमान आकर मस्जिद नबवी में जमा हो गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा वीडियो ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के लाइफ के ऊपर बनने वाली ये बेहतरीन सीरीज बाय रशीद मिफ्ताही साहब, पार्ट 53। बहुत बेहतरीन था आज का वाक्य, उन्होंने जो बताया जैसे मैंने आपको बोला था, बहुत ही अच्छा वाक्य, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अभी ये हाफ पार्ट बताया, कल हाफ पार्ट बताएंगे रशीद साहब, है ना। तो कल का वाक्य पूरा सुनने वाला है क्योंकि कल पता चलेगा, क्योंकि मदीना में आ चुके हैं मक्का वाले अपने पूरे बंदे लेके, 3000 बंदे, 200 घोड़े, 3000 ऊंट, 3000 बंदे, 15 लड़कियां, आंटियां। भाई अभी देखने वाला सीन है कि क्या होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा केयर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।